कुशभाऊ ठाकरे जोन क्रमांक 16 पर वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद शिखा संदीप दुबे ने अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। सोमवार दिनांक 11 मार्च 2024 को कुशभाऊ ठाकरे पलहर नगर जोन क्रमांक 16 वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद शिखा संदीप दुबे के पदभार ग्रहण समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत महापौर ने की। उन्होंने कहा कि जोन का अध्यक्ष जो होता है वह मिनी महापौर होता है और उसको अपने जोन में वह सारे अधिकार होते हैं जो महापौर को पूरे शहर में होते हैं, और इनके जोन में जितने वार्ड हैं वहाँ के लोगों के साथ बैठना और नगर निगम की जितनी योजना है उनको नीचे तक ले जाने में सक्रिय भूमिका निभाने का काम अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष बनाने का प्रावधान भारत के संविधान में है, इसलिए यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। महापौर द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया और पार्षद द्वारा पदभार ग्रहण किया गया, और इस अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, भाजपा के नगर महामंत्री संदीप दुबे और चंद्रशेखर आजाद मंडल के अध्यक्ष और पार्षद महेश चौधरी, एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान और अश्विनी शुक्ला, पार्षद शिखा दुबे और भाजपा नेता संजय दुबे, पवन सुराणा, दीपक रामाणी, साथ ही में बबलू कुशवाहा और बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, महिला पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र केसरी ने किया और आभार महेश चौधरी ने माना। इसलिए वो जो बात कह रही थी ना कि मेरे को विक्रमादित्य के पद पर बिठाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसलिए मेरे आपसे दो आग्रह कि आपके कार्यकाल में आप दो काम अगर करेंगे तो मैं मानूंगा कि आपका कार्यकाल सफल रहा। एक, हमने 19 जोन से बढ़ाकर 22 जोन किए, इंदौर में 19 जोन थे, तो अपने अपने जोन के कार्यालय टंकी मुक्त हो, तब ज्यादातर कार्यालय टंकियों पे बने हुए हैं। क्यों, जगह मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो भी 3.5 साल का समय है, 3.5 साल में अच्छा एक ऑफिस जहां लोगों को आने में भी अच्छा लगे, काम करने में भी सुविधा हो, डिजिटल और हाईटेक ऑफिस, थोड़ा जनभागीदारी से हो, कुछ मदद हम करेंगे, लेकिन एक काम आप करके जाओगे तो आने वाले समय में लोग याद रखेंगे कि जब आप जोन अध्यक्ष थे तो ये जोन का कार्यालय बना। जैसे मैंने संकल्प लिया है कि नगर निगम की नई बिल्डिंग बनानी है, तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बन जाएगी, तो ये याद रहेगा कि भार्गव साहब मेयर थे तब ये बिल्डिंग बनी थी। पर वो बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य लोगों को वहां सुविधा मिलती, जहां लोग आते हैं वहां व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरा, हर 15 दिन में आप अपने जोन की कमेटी की मीटिंग करिए, उसमें तीनों पार्षद रहेंगे, उसमें और भी कुछ सदस्य बनाने की व्यवस्था है, हम प्रयास करेंगे वो सदस्य भी बने, और वो नहीं भी बने मान लो तो 15 दिन में एक बार जेडो के साथ, सब इंजीनियर के साथ बैठ के कितने काम चल रहे हैं उनका रिव्यू करना। थोड़ा जेडो को इससे दिक्कत होगी पर आप उसकी चिंता मत करो, इनका रिव्यू करो, आप बने इसीलिए हो कि हर 15 दिन में काम कहाँ पहुंचा, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, वो रिपोर्ट मुझ तक आए। तो हर 15 दिन में एक मीटिंग आपको करनी, उसमें एक काम जो मैं आपको सुझाव के रूप में बता रहा हूँ कि इन तीनों चारों वार्डों में अश्विनी जी बहुत सीनियर पार्षद आपके साथ हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ रहने वाले कई सारे अलग अलग कॉलोनी में कोई जल संरक्षण पे काम करने वाले लोग होंगे, कोई पर्यावरण पे करने वाले लोग होंगे, कोई सफाई पे करने वाले लोग होंगे, उनको मीटिंग में 5-10 मिनट के लिए आप बुलाइए और वो इन तीनों वार्डों में क्या कर सकते हैं, उनका काम, उनका योगदान बढ़ाइए, तो ये जनभागीदारी का इंदौर का जो मॉडल है वो नीचे तक उतर जाएगा। तो ये दो काम की मेरे आपसे अपेक्षा है, मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छा काम करेंगे, पूरे पार्षदों के साथ न्याय करेंगे, अश्विनी जी जितना बोले उतना बजट सैंक्शन कर देना उनका। जितने भी वार्ड आते हैं उनकी वार्ड समिति की बैठक के माध्यम से काम का रिव्यू करना, मैं उनको उनके यशस्वी कार्यकाल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास करता हूँ कि जिस उद्देश्य से जोन अध्यक्ष बनाए गए हैं काम के विकेंद्रीकरण को लेकर उसकी। दिनेश आचार्य की रिपोर्ट।